प्रियंका जब छोटी थी तो अपने माता पिता राजीव और सोनिया के साथ रायबरेली जाती थी, तो उनके बाल हमेशा छोटे रहते थे। अमेठी और रायबरेली के दौरे पर गांव के कुछ लोग राहुल की तरह प्रियंका को भी भैया बुलाते थे। अगले कुछ सालों में ये बदलकर भैया जी हो गया। यूपी में प्रियंका की लोकप्रियता को आप यूँ समझ सकते हैं कि आम लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। इसकी एक वजह प्रियंका का हेयर स्टाइल, कपड़ों के चयन और बात करने के सलीके में इंदिरा गांधी की छवि साफ नज़र आती है। प्रियंका जब यूपी के दौरे पर रहती हैं तो उनका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है। ट्रेडमिल पर थोड़ा मशक्कत करने के बाद प्रियंका योगा करती हैं। बताया जाता है कि प्रियंका यूपी दौरे पर जब रहती हैं तो रोटी या पराठे के साथ सब्जी और दाल खाना पसंद करती हैं, साथ में आम नींबू के अचार के साथ। हालांकि प्रियंका और उनके पति को रॉबर्ट भाटरा को मुगलई खाना भी बेहद पसंद है। जब प्रियंका बतौर मेहमान रायबरेली निवासी रमेश बहादुर सिंह के घर पर 1 महीने ठहरी थी तो रमेश ने BBC को इस बारे में बताया था कि प्रियंका प्रचार करने अकेले निकलती थी और देर रात लौट पाती थी। दोनों बच्चे घर में आया के साथ रहते थे। एक दिन जल्दी लौट आई और मुझसे बोली कि बच्चों को रिक्शे की सैर करानी है, इसलिए 2 रिक्शे मिल सकते हैं क्या। जैसे रिक्शे आए वे बच्चों के साथ उस पर बैठ गई कर निकल पड़ी और भौचक के SPG वाले पीछे भागे। आधे घंटे बाद वे लौटी और रिक्शे वालों को 50 रुपये का नोट देकर हंसते हुए भीतर चली गईं।